मस्जिद का माशाल्लाह बाकी यार खर्चा इस पर लगा हुआ है मोमिनीन का पैसे बिल्कुल असेंबली अच्छा टेंशन टेंशन नहीं लगी हुई है सेशन की तैयारियां हो रही हैं और थोड़ी देर तक सही चल रही है मस्जिद बैतुल लतीफ रिजल्ट कैसे कर रहे हैं ठीक है सर जी जी बाद मैं दिखाऊंगा आपको जलसा अगर होगा तो टाइम होगा तो बनाऊंगा वीडियो आगे तैयार जवान जीदार जवान बेदार जवान बेदार जवान तैयार जवान जीदार जवान बेदार जवान बेदार जवान मिल्लत की अजमत जुर्रत का है ये निशान मिल्लत की अजमत जुर्रत का है ये निशान ये फिक्र अमल किरदार बना के रहते हैं चूली चढ़ जाते हैं लेकिन हक कहते हैं ये फिक्र अमल किरदार बना के रहते हैं।
चढ़ जाते हैं लेकिन हक कहते हैं। इनके सामने दुश्मन का किरदार आया, अजमत जुर्रत का है ये ही निशान। तैयार जहां जीदार जहां बेदार जवान, बेदार जवान। तैयार जहां जीदार जहां बेदार जवान, बेदार जवान। मिल्लत की अजमत जुर्रत का है ये ही निशान, मिल्लत की अजमत जुर्रत का है ये ही निशान। वहदत हम इज़्तिरारी ज़रूरत नहीं समझते। बाज़ औक़ात मैं सुनता हूँ बाज़ बुज़ुर्गान से, उलमा से, अहले सुखन व अहले फ़िक्र से कि वहदत हालात का तकाज़ा है, वहदत मौजूदा ज़माने की ज़रूरत है, या हमारा दुश्मन एक है और दुश्मन चूँकि एक है तो हमें भी एक होना चाहिए। ये दलाइल उनके बहुत अच्छे हैं कि इन वजूहात से हमें एक होना चाहिए, लेकिन जामिया ने जो परचम वहदत का उठाया है वो उस सूरत में नहीं है कि हमारे दुश्मन हो और दुश्मन मुत्तहिद हो और अक्सुल अमल में हम भी मुत्तहिद हो जाएं, बल्कि मैं ये अर्ज करता हूँ अगर फ़र्ज कर लें उम्मत इस्लामिया का एक भी दुश्मन ना हो और जब वो दुश्मन ही नहीं है तो वो मुत्तहिद भी ना हो, उसके बाद भी उम्मत इस्लामिया को वहदत की ज़रूरत है। अगर कोई दुश्मन हमारा ना हो हमें फिर भी वहदत की ज़रूरत है, चूंकि वहदत हमारी इस्तरार की ज़रूरत नहीं, वहदत हमारी नज़रियाती बुनियाद है, वहदत हमारे अकीदे की बुनियाद है, वहदत तौहीद का परतव है ज़मीन पर। अहले ज़मीन को जब अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान लाना है तो वहदहु ला शरीक खुदा की मखलूक और बंदे उसी सूरत में बन सकते हैं कि जब खुद उस वहदहु ला शरीक के साथ तमस्सुक करके आपस में भी एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तौहीद की अमली शक्ल मुजस्सम करके पेश करें। तौहीद किताबों में और तौहीद मेंबरों पर और तौहीद लफाजी में ना हो बल्कि तौहीद रवैयों में हो, तौहीद अखलाक में हो, खुलकियात में हो, तौहीद हमारे इकदामात के अंदर हो। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हालात बेहतरीन हालात हो उसमें भी हमें इत्तहाद ही की ज़रूरत है। तफरका मज़मूम है, यूं नहीं कि कुछ हालात में तफरका अच्छा होता है और बाज़ हालात में वहदत अच्छी होती है, ना अज़ीज़ाने मन, तफरका शर मुतलक है, शर मुतलक है और वहदत खैर मुतलक है। जब भी जहां भी अगर दो मुसलमान हैं तो सबसे पहला फरीजा इत्तहाद है उनके दरमियान, और अगर सारी उम्मत सारी दुनिया इनके इख्तियार में आ जाए, कोई दुश्मन भी इनका ना हो, तफरका फिर भी नाजायज और नारवा और हराम है। अजीजान ये जामिया की तरफ से ये एजाज है अल्लाह ताला का कि हमने जैर बहुत सारे लोग मुमकिन है कुछ हालात में वहदत को पसंद करते हो, कुछ हालात में पसंद ना करते हो, लेकिन अजीजान बहुत सारे वहद सियासत की खातिर, कुर्सी की खातिर, वोटों की खातिर, इख्तदार की खातिर, मफादात की खातिर, मनसब की खातिर, किसी जगह मेंबरशिप की खातिर मुमकिन है वहदत की नमाइश मीडिया पे करें, लेकिन वो उम्मत के अंदर आकर तफरके की फूंके मारें और तफरके की आग भड़काएं, ये वहदत नहीं है। बल्कि वहदत ये है कि मीडिया पे आओ या ना आओ लेकिन उम्मत के अंदर वहदत के लिए कोशिश करो, इकदाम करो आप। वहदत ये नहीं है कि हम दूसरे मसालिक के सामने जाकर वहदत की बातें करें, वहदत ये है कि अपने शागिर्दों को वहदत का दर्स दो, अपने निसाब में वहदत को रखो, वहदत को अपने निसाब में, उसी तरह जिस तरह आपके फिक्ही मसाइल हैं, जिस तरह नमाज के मसाइल हैं, रोजे के मसाइल हैं, इसी तरह फिक्ही बाब वहदत का आपके फिक के अंदर मौजूद हो जो आपको तफरका की हुर्मत और वहदत का वजूब बताए। जब वो अपने शागिर्दों में निसाब के तौर पर पढ़ाओगे तो ये नजरियाती बुनियाद हो जाएगी वहदत की। किसी मुसलमान का कीना किसी मुसलमान के दिल में ना हो। इख्तलाफ बेशक हो, इख्तलाफ न कुरान हमें रोकता है इख्तलाफ से, न दीन रोकता है, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारी अलग अलग खोपड़ी बनाकर और हर खोपड़ी में अलग मगज रख के और हमें अलग अलग जहन और अलग अलग अक्ल देकर इख्तलाफ का मंबा तो खुद पैदा कर दिया है। चूंकि अगर
ایک طرح سے اختلاف کے بغیر سوچنا ہوتا، پھر ایک آدمی کی کھوپڑی ہوتی، باقی سب کے میدے ہوتے، باقیوں کو پیٹ دیتا، ایک کو کھوپڑی دیتا تاکہ سوچے ہی نہیں، اختلاف ہی نہ کریں۔ لیکن جو ہر ایک کو مغز دیا، ہر ایک کو عقل دی، ہر ایک کو ذہن دیا، ہر ایک کو سوچنے کی صلاحیت دی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک آزاد ہے اپنی سوچ میں، اور ہر ایک جب سوچ میں آزاد ہے تو دوسرے کی سوچ سے الگ بھی سوچ سکتا ہے۔ تو بے شک سوچے مسلمان بھائی میرا، بے شک اپنے ذہن سے آزادی کے ساتھ جو سوچ رکھتا ہے سوچ رکھے، وہ مسلمان ہے۔ میری سوچ سے بالکل الگ اور مختلف سوچے، اس کی اختلافی سوچ کے باوجود اس کو گلے لگانا، یہ وحدت اسلامی ہے۔ وہ بے شک اختلاف رائے رکھتا ہو، اختلاف سوچ رکھتا ہو، اس کے بعد بھی اس کو مسلمان سمجھنا، اس کو بھائی کہنا، یہ وحدت اسلامی ہے۔ عزیزان، اس وحدت پہ ایمان لے آئیں، یہی ہماری نجات کا ذریعہ۔ یہ سبق ہمیں نہیں پڑھایا گیا، آپ